आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है सतह परिसज्जा है यानी सरफेस फिनिशिंग है। अब इस सब्जेक्ट के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद हम सोच रहे हैं कि सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू की जाए, क्योंकि बहुत कई लोगों ने हमें कमेंट भी किया है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, और कई लोगों ने बिल्डिंग ड्राइंग के लिए भी बोला है। तो हम बिल्डिंग ड्राइंग का भी लेक्चर बीच बीच में प्रोवाइड कराते रहेंगे। हम सोच रहे हैं कि जो आपको बिल्डिंग ड्राइंग से संबंधित नहीं आता है, जिसका ड्राइंग नहीं बना पाते हैं, तो उसका दिए गए नंबर पर फ़ोटो खींच करके, जो मान लीजिए आपको जो ड्राइंग नहीं आता है तो उस ड्राइंग का फ़ोटो खींच करके आप जो है कि दिए गए नंबर पर भेज दीजिए, मैं उस ड्राइंग को यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि उस क्वेश्चन का सभी लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो भी आपको ड्राइंग में नहीं आता है प्लान, जैसे भवन का कोई भी प्लान एलिवेशन नहीं बनाने आता है, तो आपका आप उसका फ़ोटो खींचिए और जो व्हाट्सएप नंबर है जो दिखा दिया गया है उस पर आप भेज दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। तो आइए आज हम चलते हैं इस टॉपिक पर, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके। इससे क्या होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आइए हम लोग चलते हैं सतह परिसज्जा यानी सरफेस फिनिशिंग किसको कहते हैं। तो किसी भी सतह पर सुगठ्य पदार्थ द्वारा समतल करना क्या कहलाता है, प्लास्टरिंग कहलाता है, सतह परिसज्जा कहलाता है। यानी कोई भी सतह है, सुगठ्य मतलब क्या है, सुगठ्य मतलब मान लीजिए ये क्या, एक हमारा क्या है सतह है, ठीक। अब इस पर किसी सुगठ्य पदार्थ द्वारा, सुगठ्य मतलब क्या होता है, उसको किसी भी आकृति में गीला हो, तो गीले पदार्थ द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी सतह को समतल करना क्या कहलाता है, सतह परिसज्जा कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे प्लास्टरिंग पढ़ेंगे, जो प्लास्टर करना, तो जो सतह परिसज्जा है उस क्यों किया जाता है, ठीक है। आखिर में सतह परिसज्जा की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ईंट चिनाई में हम अगर सतह परिसज्जा नहीं करते हैं तो देखते हैं उबड़ खाबड़ रहता है, तो सतह परिसज्जा करने से जो सतह है समतल प्रदान हो जाता है। दूसरा क्या है, अगर हम किसी भी दीवार पर अगर प्लास्टरिंग कर देते हैं तो अगर अंदर निम्न क्वालिटी का चिनाई किया रहेगा, अगर हम उसके ऊपर इसका अच्छे से प्लास्टरिंग कर देंगे तो वह दोष क्या हो जाता है, छिप जाता है। और क्या क्यों किया जाता है, मान लीजिए हम जब ईंट चिनाई करते हैं तो जब यहाँ पर देखेंगे जॉइंट पर क्या होता है, गड्ढे रहते हैं, तो इस स्थिति में उसमें क्या होता है कि धूल के कण ये सब क्या होते हैं, जम जाते हैं, जिससे कि और क्या होता है, इसमें अनेक जो है कि कीट भी घुस जाते हैं, जो कि जो है कि खतरा है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टरिंग किया जाता है। फिर क्या होता है, प्लास्टरिंग करने से क्या होता है कि अगर बाहर दीवारों में हम कर देते हैं प्लास्टरिंग, तो बरसात के समय में क्या होता है कि जब पानी पड़ता है तो वह सरक जाता है नीचे, तो इससे क्या होता है, सीलन से भी हमारा बचाव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सतह परिसज्जा से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अब हम जानते हैं, आइए जानते हैं कि जो प्लास्टरिंग है वो कितने प्रकार के हम करते हैं। तो प्लास्टर का वर्गीकरण, तो पहला है कितने, यानी कि यहाँ पर जो प्लास्टर होता है, तो एक प्लास्टर जब हम करते हैं तो उसमें दो प्रकार के मटेरियल होते हैं। पहला होता है बंधक पदार्थ, बंधक पदार्थ, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मिश्रक होता है पदार्थ। तो बंधक पदार्थ के आधार पर ही हम क्या करते हैं कि उस सतह के परिसज्जा का नाम देते हैं, प्लास्टरिंग का नाम देते हैं। अगर सीमेंट से हम करते हैं तो उसको सीमेंट प्लास्टर बोलते हैं, अगर हम चूना से करते हैं तो उसको चूना प्लास्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन कौन से प्लास्टर हैं। तो प्लास्टर का वर्गीकरण, तो पहला है सीमेंट प्लास्टर, दूसरा है लाइम प्लास्टर, और तीसरा है सीमेंट लाइम प्लास्टर, और चौथा है मड प्लास्टर है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं सीमेंट
जो है कि प्लास्टर, तो सीमेंट प्लास्टर सभी लोग देखे ही होंगे। जो सीमेंट प्लास्टर होता है वह सभी प्लास्टरों से उत्तम क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पर जो सीमेंट प्लास्टर किया जाता है किसी भी सतह पर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बंधक पदार्थ के रूप में जो सीमेंट प्लास्टर है, ठीक है, सीमेंट प्लास्टर है तो सीमेंट बंधक के रूप में होता है, और क्या होता है, सैंड होता है, सीमेंट और सैंड होता है। तो सीमेंट की मात्रा जितनी अधिक होगी जो प्लास्टर है उतना ही मजबूत होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि जो प्लास्टरिंग का जो कास्ट है वह यानी कि कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें कहाँ पर जैसे बाह्य परित सतह है तो उस पर कितने सीमेंट प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कितने का मसाला प्रयोग करना चाहिए, आइए हम इसको देखते हैं। तो जो सीमेंट प्लास्टर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जैम्ब के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर जैम्ब किसको बोलते हैं, हमने आपको बताया था कि जो खिड़की है दरवाजे हैं इसको हिंदी में पाखा बोलते हैं। तो खिड़की और दरवाजे के बगल की जो दीवार होती है जहाँ पर कि खिड़की और दरवाजे जाके चिपकते हैं, तो वहाँ पर उसी को हम जैम्ब बोलते हैं। तो जैम्ब पर क्या होता है कि बार बार खिड़की दरवाजे आ करके खुलते हैं और जा करके सटते हैं। तो वहाँ पर अगर हम कम मसाला लगाएंगे यानी कि कम सीमेंट वाला मसाला लगाएंगे तो क्या होगा कि टूट फूट हमेशा होती रहेगी। तो इसलिए ऐसे स्थानों पर जहाँ पर टूट फूट इन सब की आवश्यकता होती, यानी कि संभावना ज़्यादा रहती है टूट फूट की, तो ऐसे स्थानों पर हम उच्च क्वालिटी का यानी कि अधिक मात्रा में सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो जैम्ब जहाँ पर होता है वहाँ पर 1:2 के अनुपात वाला मसाला प्रयोग करते हैं, यानी सीमेंट कितना होगा 1, तो सैंड का मात्रा कितना होगा 2 होगा। और सीलिंग के लिए छत जो होता है, छत पर भी मान लीजिए अगर करना हो, बहुत से छत देखते हैं कि क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो ऐसे जगहों पर जहाँ पर छत सीलिंग में भी प्लास्टरिंग करना हो तो वहाँ पर जो मसाले का अनुपात रखना चाहिए 1:3 का हमें रखना चाहिए। फिर क्या है, एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये घर है, तो ये वाला भाग जो होगा ये बाह्य भाग होगा, बाहर वाला भाग होगा, और ये आंतरिक भाग होगा। तो आंतरिक जो बाह्य वाला भाग है ये वातावरण के संपर्क में रहेगा, नमी के संपर्क में रहेगा, धूप के संपर्क में रहेगा, तो इसलिए इस सतह को, इस वाले यानी बाहरी सतह को दृढ़ बनाना यानी कि आवश्यक होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हम सीमेंट मसाले का प्रयोग करेंगे 1:4 के रेशियो में करेंगे, और अंदर वाले भाग वायुमंडल से इतना इस पर प्रभावित नहीं होता है बाह्य वातावरण से, तो यहाँ पर 1:6 के अनुपात में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम फिर से बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने का, जैम्ब के लिए 1:2 का रखेंगे, सीलिंग के लिए 1:3 का रखेंगे, एक्सटर्नल सरफेस के लिए यानी बाह्य सतह के लिए 1:4 का मसाला रखेंगे, सीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल सरफेस के लिए यानी कि एक्सटर्नल के इंटरनल के लिए 1:6 का रेशियो रखते हैं। तो जो सीमेंट प्लास्टर है पहले कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यह दीवार है, इस दीवार पर हमें क्या करना है, सीमेंट प्लास्टरिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर झाड़ू से क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करने के बाद इससे पानी से क्या करते हैं, धो लेते हैं, धोने के बाद क्या करते हैं, तब इसके बाद इस पर हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करना प्रारंभ करते हैं। प्लास्टरिंग करने के बाद इस पर क्या करते हैं, जैसे कि चाहे जितने का, जैसे बाह्य अगर सतह है तो 1:4 के रेशियो में इस पर प्लास्टरिंग करेंगे। करने के बाद इस पर क्या करते हैं, कम से कम 1 हफ्ता तक इसकी तराई करते रहते हैं। जैसे अगर ऊर्ध्वाधर है तो दीवार पर तराई करने की भी के लिए क्या करते हैं कि बोरे हुए, टाट हुए, इन सब से क्या करते हैं कि अगर हम ढक करके उस पर पानी की छिड़काव कर सकते हैं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये सीमेंट प्लास्टर को देखा। फिर इसके बाद क्या है, लाइम प्लास्टर है, यानी कि जब बंधक पदार्थ के रूप में क्या हो कि लाइम का प्रयोग हो, ठीक है, जब इसमें क्या होता है, लाइम प्लास्टर, तो इसमें लाइम होता है, चूना होता है, और इसमें
जो मोटा मिलावा के रूप में के प्रयोग जो होता है, यानी कि मिलावा के रूप में जो प्रयोग होता है, मिलावा, यहाँ जो मिश्रक पदार्थ है यहाँ पर मिलावा रहेगा, ठीक है, बंधक पदार्थ और मिलावा। तो यहाँ पर मिलावा के रूप में क्या रहेगा, बालू रहेगा, ठीक है, बालू रह सकता है, सैंड रह सकता है या सुर्खी, ठीक है, मिलावा के रूप में यहाँ बालू या सुर्खी का प्रयोग करते हैं। तो लाइम प्लास्टर पहले कैसे करते हैं, पहले इसको जो चूना रहता है इसको पानी में डाल करके बुझा लेते हैं। बुझने के बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइम है पूरी तरह से बुझना चाहिए, अगर नहीं बुझा रहेगा तो हम प्लास्टर कर देंगे। प्लास्टर करने के बाद भी क्या होगा, ये वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करने के बाद ये फूलने लगेगा और कुछ दिन बाद एक हमारा जो प्लास्टर किया रहेगा वह धीरे धीरे खुदर करके गिरने लगेगा, जिससे कि हमारा जो प्लास्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें जब भी लाइम प्लास्टर करना चाहिए तो पहले चूने को अच्छी तरह से यानी कि बुझा देना चाहिए। चूना प्लास्टर में हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये बाह्य सतह के लिए उतना उपयोगी नहीं है, जैसे बाह्य सरफेस के लिए, जो अगर भवन है, भवन की बाह्य सरफेस के लिए उतना, क्योंकि ये वातावरण के संपर्क में लाइम आएगा, चूना आएगा तो नमी को अवशोषित करता रहेगा। नमी को अवशोषित करने के बाद ये क्या होता है, फूलने लगेगा, तो जिससे कि जो सतह है बहुत जल्दी ही खराब आ जाए हो जाएगी। यह आंतरिक सतह के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस पर अगर हम कर देंगे, अंदर कर देते हैं तो इसमें कम जो है कि पेंटिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लाइम क्या होता है, खुद सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा लाइम कंक्रीट हो गया। लाइम कंक्रीट इतना ध्यान रखिएगा कि आंतरिक सतह के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। फिर सीमेंट लाइम प्लास्टर, जब यानी कि जब सीमेंट और लाइम एक साथ मिला करके प्लास्टर के रूप में करते हैं, तो इसमें बंधक के रूप में क्या होता है, यानी लाइम भी होता है, सीमेंट भी होता है और मिलावा के रूप में बालू होता है, बालू, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी मोर्टार का प्रयोग करते हैं, मसाले का प्रयोग करते हैं प्लास्टर के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं सीमेंट लाइम प्लास्टर। ये निम्न क्वालिटी का, जहाँ पर कि निम्न क्वालिटी की संरचना हो, तो ऐसे स्थानों पर हम इस जो है कि मसाला का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, मड प्लास्टर। मड प्लास्टर कच्चे भवनों, कच्चे भवन हैं उनके, उन पर भी क्या किया जाता है, उन पर भी लिपाई पुताई की जाती है। तो जब मड के रूप में, इसमें चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में गोबर मिला करके, फिर भूसा मिला करके, इन सब का प्रयोग करके देखे होंगे आप, तो मड प्लास्टर यानी कि मड पर जो लिपाई पुताई की जाती है वही मड प्लास्टर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने प्लास्टर का वर्गीकरण देखा। फिर इसके बाद क्या है, प्लास्टर के दोष, डिफेक्ट्स इन प्लास्टर। तो प्लास्टर में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं इसको हम जानते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है फफोले पड़ना, ब्लिस्टरिंग। अब फफोले पड़ने का मतलब है, जैसे क्या होता है कि अगर हम प्लास्टर किए हैं, वो क्या होता है कि कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो प्लास्टर में क्या होता है, फफोले टाइप का मतलब क्या होता है, कुछ उभरा उभरा टाइप का हो जाता है, इस टाइप से उभर उभर कर देखेंगे तो ये क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर जो प्लास्टर में दोष होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है क्रैकिंग ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर में दरारों का पड़ना। दरारें क्यों पड़ती हैं, जैसे इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर सीमेंट और क्या है, बालू है, अगर सीमेंट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा मिला देते हैं तो उसके कारण भी क्या होती है, क्रैकिंग हो जाती है। अगर हम अच्छे से तराई भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, जो सीमेंट और बालू ये सब क्या है, फैलता है, बाद में प्रसार होता है इनका, अगर इनका अच्छे से तराई नहीं किए गए करे रहेंगे तो क्या होता है, प्रसार के कारण इसमें उष्मा भी जनरेट होती है, तो इसके कारण क्या होता है, इसमें जो कि दरारें पड़ जाती हैं। फिर क्या है, प्लास्टर का टूट कर गिरना। प्लास्टर क्या होता है, कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें क्या होता है, टूट करके गिरने लगता है।
फिर क्या है लोनी या सोरा लगना। लोनी या सोरा लग कहाँ पर लगता है, जहाँ पर जैसे ऊसर वाली भूमि है तो ऐसे जगहों पर जो है कि लोना या सोरा बहुत अधिक लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है। क्या ये जो कि जैसे हमने बताया था कि जैसे कब लोनी या सोरा लगता है, जैसे ये हमारा कोई संरचना है ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए पानी ये यहाँ पर नमी है, नमी के कारण ये क्या होगा पानी ऊपर चढ़ेगा ठीक है, पानी ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे, तो नमी को अवशोषित करके ये क्या करेगा, तो ये जब नमी जाएगा इसके साथ तो इसमें क्या होते हैं लवण भी होते हैं ठीक है, जल में क्या लवण भी मिले होते हैं, अन्य खनिज पदार्थ मिले होते हैं, तो इसमें जब लवण मिले होते हैं तो लवण जब ऊपर चला जाता है तो अब यहाँ पर चला गया जल के साथ, लेकिन जब धूप पड़ती है तो जल क्या होता है वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन लवण क्या होता है यहीं पर जमा रह जाता है। तो आप देखे होंगे दीवारों पर कई जगह बहुत जगह देखे होंगे कि सफ़ेद सफ़ेद दाग या धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसी को लोना या सोरा लगना बोलते हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे यह दीवार को क्या करता है कमज़ोर कर देता है और झड़ झड़ करके दीवार गिरने लगती है, तो उसी को क्या बोलते हैं लोनी या सोरा लगना। तो इस प्रकार से हमने प्लास्टर जो एक सीमेंट प्लास्टर को देखा ठीक है। हम लोग सतह पर सज्जा के अंतर्गत अगला जो है कि टिप यानी पॉइंटिंग जिसको कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे प्लास्टरिंग में क्या होता है, प्लास्टरिंग में पूरे सतह को क्या किया जाता है मसाले द्वारा ढक करके समतल कर दिया जाता है, लेकिन जो पॉइंटिंग होता है इसमें जैसे कि किसी भी संरचना का सबसे कमज़ोर भाग क्या होता है जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है जहाँ पर जोड़ होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जैसे दीवार में अगर जो भी जैसे ईंट रखा हुआ है या पत्थर जहाँ पर कि रखे हुए हैं तो उनके जोड़ों में मसाला भरना ही क्या कहलाता है, वही टिप या पॉइंटिंग करना कहलाता है। टिप पॉइंटिंग करने से जो संरचना है उसकी सामर्थ्य भी यानी कि थोड़ा टिकाऊपन भी बढ़ जाता है और देखने में अच्छा लगता है। आप देखे होंगे बहुत से जगहों पर पॉइंटिंग की हुई दीवारों को देखे होंगे, तो इसमें पॉइंटिंग के लिए कौन कौन से टिप मसाला का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है सीमेंट मसाला, और चूना टिप का प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट का जब प्रयोग किया जाता है तो एक संबंधी तीन या एक संबंधी दो का जो है कि मसाला प्रयोग किया जाता है, और चूने का जब मसाला प्रयोग किया जाता है टिप प्रयोग किया जाता है तो एक संबंधी एक का प्रयोग किया जाता है। तो टिप से फ़ायदा क्या होता है, टिप करने से जैसे अगर हम प्लास्टरिंग करेंगे तो पैसा अधिक लगता है, तो जहाँ पर कम जो है कि पैसे में काम चलाना हो तो ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं टिपिंग का काम यानी पॉइंटिंग का काम कर देते हैं। तो पॉइंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, टिप कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो पहला है आपका फ्लश पॉइंटिंग या सपाट पॉइंटिंग। जैसे हम क्या कर रहे हैं सपाट पॉइंटिंग समझेंगे, जैसे अब ये एक दीवार है, ये बाह्य जो पॉइंटिंग की जाती है प्रायः बाह्य दीवारों में ही की जाती है, आंतरिक दीवारों में नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो पॉइंटिंग की जाती है वह सतह की सुंदरता के लिए की जाती है, तो इसलिए बाह्य दीवारों में की जाती है आंतरिक दीवारों में नहीं की जाती, आंतरिक दीवारों में प्लास्टर की जाती है। तो अब सपाट टिप किसको हम बोलेंगे, जैसे ये क्या है माल ये हमारा संरचना है और ये ईंट ऐसे जुड़े होंगे, तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको खुरच दे लेते हैं ठीक है, खुरच करके मान लेते हैं खुरच करके यहाँ पर कर दिए। अब खुरचने के बाद इसमें से मसाला क्या करते हैं निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसमें हम अगर सीमेंट मसाला का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं सीमेंट हम इस प्रकार से भर देते हैं। तो इस प्रकार का अगर हम क्या करेंगे टिप बनेगा तो उसको हम सपाट टिप बोलेंगे। अब देखिए क्योंकि ये सपाट पूरा हो गया दीवार तो ये सबसे टिकाऊ होता है, क्योंकि इस पर पानी पड़ेगा तो सरक करके नीचे चलाएगा, तो इस प्रकार का सपाट टिप जो होता है फ्लश पॉइंटिंग मजबूत टाइप का होता है, इस पर पानी नहीं टिकता है। अगर हम दूसरा बात करें ढलवा या पख टिप, इसको विदर्ड या स्ट्रक पॉइंट बोलते हैं, एक क्या होता है
अब देखिएगा इसमें क्या है, एक ETA हो गया, ठीक है, और एक ETA हो गया, ये दो ईट हैं, ठीक है, ये दो ईट हैं, और यहाँ पर ये जो पतला वाला है इसको ये क्या है, ज्वाइंट है। अब इसमें हमें करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ मसाला क्या करते हैं, खुरच करके निकाल देते हैं, कुछ इस प्रकार से निकाल दिए मान लीजिए, निकाल करके अब हम ढलवा या पख में क्या करते हैं कि अब इसमें मसाला भर देते हैं। मसाला भरने के बाद हम कोई भी धातु का छड़ लेकर के फिर इसको ऊपर से टेपर्ड कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, और ये तब क्या हो जाएगा, मसाला ये भरा रहेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बना रहेगा तो हम क्या कहेंगे उसको, पख टिप बोलते हैं। तो इस देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि और इस पर अगर पानी पड़ता है तो ये पानी भी नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से हम पख या टिप पख टिप का निर्माण करते हैं। फिर तीसरा है नुकीली या वी पॉइंटिंग, इसको बोलते हैं। वी पॉइंटिंग में क्या करते हैं, सब वही है, मेथड वही है कि इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर यह ईट है, ठीक है, और बीच में ये मसाला भरा हुआ है, जैसे यह दो ईट है यहाँ पर देख रहे हैं। अब पहले क्या करते हैं कि इसमें से मान लेते हैं ये मसाला पूरा भरा रहेगा तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट निकाल लेंगे, जो है कि थोड़ा खुरच करके निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाला भर देंगे, मसाला भर दिए, ठीक है, पूरा सीमेंट बालू है या चूना बालू है उसका मोटार भर देंगे। मोटार भरने के बाद क्या करेंगे, पूरा ये भरा रहेगा, फिर हम इस पर एक विशेष भी टाइप का उस पर बना रहता है, पट्टी रहता है, उसी से हम क्या करेंगे, दबा देंगे। तो चूँकि उस समय जो कंक्रीट रहेगा सुघट्टे रहेगा, ठीक है, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से बना देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, ये भी टाइप का इस टाइप से बन जाएगा, ये पूरा मसाला भरा रहेगा। तो अगर इस प्रकार का पॉइंटिंग हम कर रहे हैं तो इसे नुकीला या भी पॉइंटिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद चौथा है गोल या झिरी टिप, गोल झिरी टिप ग्रूव्ड पॉइंटिंग किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यही है, ठीक है, अब इसमें हमने मसाला भर दिया, मसाला भरने के बाद या पूरा ये मसाला हमने भर दिया इस प्रकार से अगर समझे हम, ठीक है, और इसमें एक क्या करते हैं, गोला छड़ रहता है गोलाकार, उससे हम दबा देते हैं। तो सुघट्टे अवस्था में क्या होता है कि जो जो सीमेंट रहता है यानी कि जो मोटार रहता है वो हमारा दब जाता है और वो इस प्रकार से उसका निर्माण हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने मसाला भर दिया, मसाला भरने के बाद हम कोई गोल छड़ है लकड़ी का या धातु का है तो उससे हम दबा देंगे तो वह इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा, गोल या झिरी पॉइंटिंग का हम इस प्रकार से निर्माण करते हैं। चौको झिरी या टिप, यहाँ गोल हम ले रहे थे तो यहाँ पर कोई सपाट लेकर के सपाट छड़ लेकर के उससे हम दबा देंगे तो इस प्रकार से चौकोर झिरी टिप का निर्माण होगा। फिर इसके बाद है उभरी टिप, टिप ट्रक पॉइंटिंग, इसको कैसे इसका निर्माण होता है, ये सबसे मितवेयी यानी कि इसमें सबसे कास्टली यही है आपका, जो है कि क्योंकि इसमें बनाने के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान किया जाता है और इसका जो निकला हुआ भाग रहता है वो कमज़ोर भी रहता है, बस ये सुंदरता के लिए जहाँ पर बहुत अधिक यानी सुंदरता की आवश्यकता पड़ती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। फिर गोटेदार टिप, जैसे ये बाहर निकला हुआ अंदर की तरफ ही निकला रहेगा, ये दोनों जो है कि सुंदरता की दृष्टि से उपयोगी है। तो इस प्रकार से हमने सतह परिसज्जा के अंतर्गत प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग को देखा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप डाउट को ज़रूर लिखें। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जैसे ड्राइंग के लिए सीमेंट कंक्रीट यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए हाइड्रोलिक्स के लिए, तो पहले हाइड्रोलिक्स का जो चैप्टर रह गया उसको हम सोच रहे हैं पूरा करा दें, फिर उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी और ड्राइंग का बीच बीच में हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।